आसाराम का राजनीति शास्त्र दिखाने से पहले आपको आसाराम का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बैठे बैठे नागिन डांस जैसा स्टेप करता दिख रहा है। हालांकि म्यूजिक अलग है लेकिन सत्संग में बैठे बैठे आसाराम नागिन डांस वाला भाव भंगिमा पेश कर रहा है। आगे आपको आसाराम का गमछा डांस से लेकर पानी वाला डांस तक दिखाएंगे लेकिन अभी आसाराम का राजनीति शास्त्र। आसाराम का संसार जितना बड़ा था उतनी बड़ी सियासी पैठ भी थी, रिश्ता भी था। आसाराम जब जेल में नहीं था तब उसके मंच पर हर तरह का नेता हाजिरी लगाने पहुंचता था। आसाराम के राजनीति शास्त्र में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, देखिए जरा। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोहन भागवत, एचडी देवेगौड़ा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे, हेमा मालिनी, फारूक अब्दुल्ला, कृष्णा तीरथ, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, प्रवीण तोगड़िया, रामदेव, आसाराम का राजनीतिक शास्त्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आसाराम के आश्रम में गए थे। केवू संगम छे धर्म सत्ता राज सत्ता जारे मळे ने तो प्रजानो बेड़ो पार थई गयो। हम जो हूं कह दू नो कहतो अबे मने मारो शिवो मळ्यो समर्थ रामदास ना वचन नारायण नारायण इष्ट देवायो भक्ति देवायो भक्ति देवायो प्रीति देवायो प्रीति देवायो। मंच पर आसाराम के सुर में सुर मिलाते उनका ये वीडियो आज कांग्रेस ने जारी किया है। तो 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब नीतीश की पार्टी ने जारी किया था। देखिए वीडियो में कैसे दोनों के रिश्ते नजर आ रहे हैं। चरणों में नतमस्तक थे कहू छो क्या अपना आशीर्वाद में सामर्थ्य आपनी प्रेरणा में सामर्थ्य छे। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी आसाराम के मंच पर माला पहनाने जा चुके हैं। पूर्वे स्वाध्याः शांति देवाः। राजनीतिक मंच होता है तो उस पर मैं कुछ बोल सकता हूँ लेकिन यह मंच साधु संतों का मंच है, पूज्य आसाराम जी बापू का मंच है। आडवाणी ने मन से यहाँ तक कहा था कि तो बापू के आशीर्वाद से ही उनके जैसे नेता समाज और देश की सेवा कर रहे हैं। कि मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बापू जी का आशीर्वाद मिला और बापू जी के इस भक्त समागम का भी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाख लाख प्रणाम करता हूं आपको और आपके द्वारा परम पूज्य बापू आसाराम जी को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जब पीएम नहीं थे और लखनऊ से सांसद थे तब वो लखनऊ में आसाराम के मंच पर जा चुके हैं। जय हो। यहाँ आसाराम के साथ वाजपेयी जी हाथ में हाथ मिलाकर झूमते नजर आए थे। पहले इधर आ जाओ, फूल हार ले आओ मेरे पास। ये शिवराज सिंह आ गए इन्हीं के पुण्य से
डेढ़ बजे प्रोग्राम पूरा हो गया था, फिर वो जो जहाज है ना आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो न जाने कितनी बार आसाराम से जाकर आशीर्वाद ले चुके हैं। देखिए कैसे मंच पर हाथ में फूल माला लेकर शिवराज मुस्कुराते दिख रहे हैं और बाबा प्रवचन दे रहा है। गाना नहीं आता लेकिन फिर भी गाऊंगा मैं, दोहराऊंगा आज बापू का आशीर्वाद है मैं दोहराऊंगा। 2009 का ये वीडियो देखिए कैसे मंच पर शिवराज सिंह चौहान आसाराम के मंच पर भजन गाते दिख रहे हैं। जीवन दो दिन का राम भजन सुखदाई भजो रे मेरे भाई ये जीवन। शिवराज का आसाराम के साथ ये तमाम वीडियो सीएम बनने के बाद के हैं। सुखदाई जपो रे मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। लोक निर्माण पर्यटन स्कूली शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी आसाराम के भक्तों में से एक हैं। आवास परिवहन उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री श्री कोमल जी जंगेल। 7 जुलाई 2013 का ये वीडियो रायपुर का है। विधायक एवं संसदीय सचिव तथा साथ में है श्री संजय जी श्रीवास्तव सभापति नगर निगम रायपुर। देखिए कैसे अपने मंत्रियों के साथ रमन सिंह आसाराम को माला पहना रहे हैं। हम लोग जितना बार सुनते हैं नई चीज सुनते हैं नया विचार सुनते हैं वो उनका भाव ही है अलग है। और हम लोग यहाँ आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री वख्यमंत्री बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मेरा प्रदेश बना है वो ईश्वर की माई की कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद की वजह से बनी। राजस्थान की मौजूदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आसाराम से भक्ति दिखाकर आशीर्वाद ले चुकी हैं। राजस्थानी सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि भारत के संस्कृति की गरिमा जानने वाली एक आदर्श देवी मिली है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन देशों में हैं वो वहीं रहें, हमें तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बार बार चाहिए जिसे भारतीय संस्कृति की गरिमा लोगों तक पहुंचती रहे। नारायण नारायण नारायण। और सुनो, मेरे गुरुजी ने मेरे को गुलाब का फूल दिखाया। ये तस्वीर देखिए, जयपुर में जब आसाराम का कार्यक्रम हुआ था तब वसुंधरा पहुंची थी और आसाराम की तारीफ की थी। अब इसको आप दुकान में ले जाओ, दुनिया भर की चीजों पर रखो, फिर सूंघोगी तो क्या सुगंध आएगी। तो मैं कहता हूं आप गुलाब होकर महको, आपको जमाना जाने। जल्दी करें भाई, बहुत जल्दी उनको आने दो। सुबह 4 बजे के लोग बैठे हैं, कोई 5 का कोई 6 का। 2 सितंबर 2012 को जिस वक्त राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद थे वो भी आसाराम के मंच पर गए थे। एकदम जल्दी करो, भूख लगी होगी बिचारों को। 11 बजे आज पूरा होने वाला था कार्यक्रम। लो हमारे आ गए जूने जोगी। आसाराम ने राजनाथ सिंह को गुलाब की तरह महकने का आशीर्वाद दिया था। जय हो, गुलाब होकर महको। हो गया, तीन तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक जय जय हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। राजनाथ सिंह ने भी आसाराम की तारीफ में कोई कमी नहीं रहने दी थी। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य आसाराम बापू हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। एक बार मैं अपनी तरफ से और आप सभी भक्त बहनों भाइयों की तरफ से अपना शीश झुकाकर उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। जब इतने बड़े बड़े लोगों की बात हो रही थी तो भरत सिद्धू की चर्चा के बिना आसाराम के राजनीतिक शास्त्र की कहानी अधूरी सी लगती है। फूल अर्पण करेंगे।
देखिए अमृतसर में जब आसाराम ने सत्संग किया तो कैसे सिद्धू उनके शागिर्द बनकर तारीख में लौट गए थे। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, लेकिन बापू के दरबार में रब से मुलाकात होती है। हर जगह जात के, धर्म के, ईश के बखेड़े हैं, बापू के दरबार में भक्तों की एक जात होती है। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, लेकिन बापू के इस दरबार में रहमतों की बरसात होती है। गुरुदेव के चरणों में सादर। कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी आसाराम से भक्ति दिखा चुके हैं। मैं महाराज श्री के वह अभी तक नाम सुना था, आज दर्शन करने का अवसर मिला है। सादर गुरुनो जी के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करते हुए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज परमात्मा की ताकत है। अब जरा जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला का भी प्रवचन आसाराम के मन से सुन लीजिए। ये देश हमारा और मेरा ये प्रांत जम्मू कश्मीर, ये ऋषि मुनियों की जगह रही है। हम पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, जोर जोर से अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, मगर जब तक दिल साफ नहीं हो वो आवाज उधर नहीं पहुंचती। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।